गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूं फ्रेंड्स, फिर से आ गई हूं प्यारा सा नया सा ब्लॉग लेके अपने गांव का। तो आज मैं आई हूं अपने गांव और जस्ट अभी कुछ टाइम हुआ है आए हुए और आज हमारे यहां मतलब बेटे बहू पूजा सुनने वाले हैं तो मैं आई हूँ। और ये मेरी बेटी है, आप लोग पहचान नहीं रहे होंगे शायद, ये मेरे जो गांव वाले देवर है ना उनकी बेटी, यानी कि मेरी बेटी, बहुत ही प्यारी बेटी है। और इधर देखिए अम्मा जी बैठी हैं, मेरी सासू माँ। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि भा दीदी जो है आप अपने फैमिली को भी दिखाया करिए, तो इस टाइम क्या है ना कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं ऊपर रह रही हूँ, अम्मा नीचे। और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो अम्मा नीचे ही रहती है, तो इसकी वजह से अम्मा को दिखा नहीं पाती और मेरे बच्चे, मेरे जो है पतिदेव जी, वो लोग मेरे वीडियो में आना नहीं चाहते हैं, इसलिए किसी को मैं दिखाई नहीं पाती हूँ, क्या करूँ। तो आज आई हूँ मैं अपने गांव और गांव में मैं सबको दिखाने की कोशिश करूँगी। ये है मेरी अम्मा जी, अम्मा हेलो। और ये देखिए मेरी बहू है, और इसको आप लोग शायद पहचान नहीं रहे होंगे, आप मतलब कि मेरे लाइव में आते हैं आप लोग भी जानते हैं सचिन, जो कि संस्कार आईटी से आता है। सचिन मेरा बेटा, उसकी वाइफ है ये। और ज्योति आप तो शायद सचिन को बहुत अच्छे से जानती हैं, बहुत सारे लोग सचिन को जानते हैं यूट्यूब पे। और ये मेरी देवरानी, मैं शादी वाले ब्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाई थी ना। हाँ। और ये है छोटी बेटी, हेलो करो, त्रिशा हेलो करो। तो ये लोग बहुत ही प्यारे हैं, तो चलिए गाइस बने रहिए ब्लॉग में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आज का होने वाला है ना सोनी, शाम तक आज मैं यहाँ रुकने वाली हूँ, तो चलिए बने रहिएगा। अभी मैं चल रही हूँ पूजा सुनने, तो फिर वहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, फिर आगे क्या क्या होने वाला है सब कुछ दिखाने की कोशिश करूंगी। सनी ये सचिन का बड़ा भाई सनी है, और ये बहन मीरा इधर देखो, ये सब सचिन के भाई बहन है। सचिन मुझे शिकायत किया था कि आप मेरे फैमिली का जो है वीडियो नहीं बनाती है, उनका परिचय नहीं बताती है, तो मैं सोची चलो उसकी पूरी फैमिली को मैं दिखा दूं। तो चलिए गाइस आगे मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ गाइस देखिए जो है पूजा स्टार्ट हो चुका है, यहाँ देवरानी जेठानी बहू सासू माँ सब लोग बैठ गई हैं और पूजा सुनने। तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ ना दरवाजे पे ही पीपल के पेड़ के नीचे शंकर जी को मतलब ऐसे ही पता नहीं पहले ही बाबा ओबा के ज़माने से ही यहाँ पूजा जाता है, तो यहीं लोग सब लोग जल छोड़ते हैं। और देखिए सब लोग चाची और अम्मा लोग सब लोग हेलो बोल रही हैं आप लोगों से, मेरी सासू माँ लोग आज आप लोगों से हेलो कर रही हैं। तो देखिए गाइस मेरी अम्मा भी हेलो कर रही हैं आप लोगों से, ये छोटी वाली चाची जी हैं। तो यहाँ ना शंकर जी को पूजा किया जाता है, तो यहीं हम लोग कथा भी सुनते हैं जब भी सुनना पड़ता है। तो यहाँ देखिए पूजा जो है स्टार्ट कर दिए हैं पंडित जी, और यहाँ हम लोग दरवाजे पर बैठ के पूजा सुन रहे हैं। तो यहाँ देखिए जो है पीपल के पेड़ के नीचे ऐसे ही शंकर जी को सुन के रखा गया है, और ऐसे ही सब लोग यहाँ जल छोड़ते हैं। तो चलिए गाइस इंजॉय करिए और आगे बने रहिए, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा आगे आप लोगों को। एंड तक बने रहिएगा और देखते रहिए कि कैसे क्या होने वाला है। तो यहाँ गाइस देखिए जो है पुराने घर के बगल में चाचा जी का नया घर बन रहा है, ये दोनों चाचा लोगों का मकान बन रहा है। मेरा तो आप लोग मतलब कि पहले देख ही चुके हैं, मेरा अलग से पहले बहुत पहले ही बन चुका था, और ये चाचा लोग अलग से अपना बनवा रहे हैं। तो फैमिली जब बड़ी हो जाती है तो सबका अलग अलग बन रहा है, क्योंकि एक ही घर में सब कहाँ रह पाएंगे, तो सबका अपना अपना अलग अलग सब बनवा रहे हैं, और पुराना घर है ही गाइस। तो चलिए बने रहिए आगे देखिए। वाह दूर करे ओम जय जगदीश हरे, जो आए फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति हरे आवे, सुख संपत्ति हरे आवे, जगदी चाहती है पहले एनवी दे रही है, एनवी ले रही है, गरम दे रही है, चाहती है मैं दयाद्रा सृष्टि में पर चाहती है चार पाए इनके कनवा में चाहती है पाए से तो संजीव हुआ एनवी हुआ ये जो पर
आज ना हमारे यहाँ जो है सब लोग खाना पीना की तैयारी कर रहे हैं और ये चाची जी हमारी जो है पूरी छान रही हैं और ये गांव का माहौल देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, चूल्हे पे खाना बन रहा है। हेलो गाइस, और ये देखिए हमने एक कचौड़ी बनाए हैं हम लोग, इसमें सब मटेरियल पड़ा हुआ है, ये बड़ी करारी कचौड़ी है। क्या बनाई है, क्या डाल के बनाई है चाची? मतलब इसे सब मसाले पड़े हैं। अच्छा, खस्ता कचौड़ी। हाँ, खस्ता कचौड़ी। और ये टेस्टी, बहुत सुंदर लगे खाने में, ये बहुत सुंदर लगे खाने में भी है, खाने में टेस्टी भी। अच्छा अच्छा, आप तो लोग तो खा नहीं पाओगे, लेकिन जो खाएगा वो इसका टेस्ट बताएगा, इसे पब्लिक खा के जाएगी तो। हाँ, मैं खाऊंगी, फिर आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कितनी टेस्टी कचौड़ी बनी है। और चाची बनाई है, आप बनाई है चाची? सभी मिलके बनाए, ऐसे कैसे झूठ बोल लूं, सभी मिलके बनाए। अच्छा, तो गाइस देखिए मैं बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ, पिछले साल चाची जब गया के भोज में चूल्हे पे खाना बन रहा था ना, और ये हम लोग खाना इसलिए बनाते हैं चूल्हे पे। हाँ, कि ये मीठा होता है थोड़ा, चूल्हे वाला खाना बहुत टेस्टी होता है सच में। और मतलब और पुराने कुछ यादें ताजा हो जाती, पुराने यादें ताजा हो जाती है, और कभी कभी मन भी करता है ना कि चलो इंजॉय भी हो जाता है। ऐसे होता है कि अगर कोई कचौड़ी बिगाड़ दे तो मन करता है इसी पलटे से सेवा कर, जैसे कि सोनी जैसे कि सोनी चाय चाय। तो देखिए गाइस, जो है मेरी बहू चाय भी लेके आ गई है लोटे में और गिलास में, तो किस में पिलाऊंगी। और यहाँ देखिए पानी भी ला दी है बेचारी मेरे लिए, तो प्रिया ये चाय लोटे में पिलाओगे कि गिलास में? गिलास। शहर वाला माहौल बिल्कुल नहीं है, गांव वाला माहौल है। ट्रे भी है बिल्कुल अच्छा है, किसके घर आजकल नहीं होगा, अच्छा भी लगता है, लेकिन पूरी तरह से गांव का माहौल। लोटे में हम लोग चाय लिए हैं, अरे हम लोग देखिए लोटे में पानी भी पी रहे हैं, और क्या बढ़िया है, गांव का भी थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। ये सब ऐसा है कि देखिए हमारी ये जो मंडप है ये इसमें हम लोग रखे हैं कि इसकी छांव में थोड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी चूल्हे पे खाना बनाना रहता है तो इसके लिए चूल्हे पे जब खाना बनाने का मन करता है तो इसे धुआं जो है पूरा हाँ तरह से बाहर हो जाता है, मतलब क्रॉस कर जाता है। हाँ बिल्कुल सही। और ये है देखिए, ये प्रिया अर्चना जरा इधर देखो यार, तुम तो फालतू में आ रही है। तो यहाँ देखिए ये बड़ी बहू है, यानी कि सचिन की भाभी। सचिन को आप लोग जान ही रहे हैं, फेमस हो गया है मेरे साथ साथ वो भी यूट्यूब पे। और ये उसकी भाभी है, बना रही हैं। और ये देखिए सचिन की मम्मी, हमारी बड़ी जेठानी, सबसे जो इनके पति हैं। ये खाना किस लिए, पूजा का जो खाना बन रहा है आपको ये बता दो गाइस, कि जो इनका इनके पति जो इनको सरकारी नौकरी मिली हुई, अच्छा उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने पूजा सुना है। और पूजा सुनने के बाद ये हम लोगों को सबको मतलब पूरे खिला रही हैं, खाना खिला रहे हैं प्रसाद। तो आप लोग भी इसको मतलब कि मेरे बहू बेटे को बधाई दीजिए, नौकरी चक्कर में आशीर्वाद दीजिए आप लोग कि और भी तरक्की करे लोग और आगे बढ़ते रहे। तो चलिए गाइस देखिए, एंजॉय करिए। सोनी सोनी इधर देखो गाइस, मेरी जेठानी है, ये पूरी नहीं बना रही, बस वीडियो बना रही। यार वीडियो भी तो बनाना चाहिए ना, वीडियो भी तो बनाने के लिए कोई ना कोई चाहिए तुम लोगों को। देखो मैं दिखा रही हूँ सबको, ये कहाँ कम कर रही हूँ, क्यों चाची सही कर रही होगी? नहीं बेटा, अरे तो आप लोगों को तो बना ही रही, हम लोग को भी बना ही रही। हम लोग भी पागलों की तरह हाय हाय कर रहे हैं, अपना आराम से खा के चली जाएगी जौनपुर। हम लोग पागलों की तरह ऐसे बैठ के नहीं चाची, अब चल रही हूँ मैं छानूंगी और आप भटिए यहाँ से। अब मैं आपका वीडियो बना ली, अब मैं पूरी छानूंगी ना। सोनी सोनी बेल लेगी।
गाइस देखिए मनोरंजन खूब हुआ और यहाँ देखिए बहू जो है खाना निकाल रही है मेरे खाने के लिए और सब लोग खा लिए हैं पिताजी और ये लोग, क्योंकि मुझे हम लोगों को जाना था जौनपुर तो सबसे पहले हम ही लोग खा लिए थे। बहुत अजीब सा लग रहा था कि क्योंकि मतलब कि चाची उची कोई भी नहीं खाया था और हम ही लोग सबसे पहले खा लिए, बहुत बुरा लग रहा था, फिर भी क्या कर सकते। चलिए खा के आप लोगों से मिलते हैं गाइस। अरे चाची खाना मैं खा ली और बहुत ज्यादा टेस्टी बना था और सच में बहुत ज्यादा टेस्टी कचौड़ी बनी थी आपकी और आप लोग मुझे खिलाए इतना टेस्टी खाना, वो भी चूल्हे का, बहुत ज्यादा टेस्टी लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहाँ से टाइम निकाल के सब बच्चे आए और हमारा बनाना भी सफल हो गया। बहुत अच्छा लगता है बनाते हैं कोई चीज और एक भी मेरी छोटी सासू माँ है जो की बेचारी बहुत चलो दीदी प्रणाम चाची। तो गाइस गांव में बहुत मजा आया, अब हम लोग निकल चुके हैं। आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग आप लोगों को आगे देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलती हूँ किसी प्यारे से अगले से ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर, राधे राधे फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।